नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और सबसे पहले मैं आपको अपने आप से रूबरू कराता हूँ। मेरा नाम है विकास और मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। और ये मैंने अपना नया YouTube चैनल ओपन किया है। मैं हिमाचल की वादियों की खूबसूरती के बारे में आपको वीडियोस देता रहूँगा। और दूसरे तीसरे दिन अच्छे अच्छे वीडियो डालूँगा और आपको बताऊँगा कि विलेज में रहने वाले का कल्चर कैसा होता है, क्योंकि मैं एक छोटी सी विलेज में रहता हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ से मक्की, पीछे सारे मक्की के खेत लगे हैं, जिसको हम पहाड़ी भाषा में कुकड़ी कहते हैं। ये देखिए। और यार, आपका सपोर्ट इसमें मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ। तो इसमें रहन सहन के बारे में बताएँगे कि कैसे विलेज का एक रहन सहन होता है और किस तरह का हमारा विलेज का डेली का रूटीन होता है। और साथ ही मैं आपको जहाँ भी इधर उधर घूमने जाया करूँगा तो आपको डेली के उसके वीडियोस बनाया करेंगे। बहुत आजकल बहुत हरियाली आप देख रहे होगे, सारे इधर से बिल्कुल जंगल सा लग रहा है, बिल्कुल इतनी हरियाली है हर जगह। और अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा हमारा घर से जो सड़क है काफ़ी दूर है। और यार दोस्तों, यहाँ बिल्कुल पीस सा इन्वायरमेंट होता है विलेज का, जो आपको पता ही होगा अगर कोई आए होंगे। विलेज में बिल्कुल सन्नाटा सा होता है, बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है एज़ कंपेरिजन टू सिटीज़ के रिकॉर्डिंग। क्योंकि सिटीज़ में बहुत क्राउडी सा होता है, शोर होता है। ये हिमाचल में हमारा अपना ही कुछ मज़ा है विलेजेस में, बिल्कुल पीस, बिल्कुल साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट। और आप देख सकते हो बिल्कुल इधर से ऊपर से पेड़ बड़े बड़े, यहाँ से देखिए आप, इधर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। और यहाँ हम जो पानी पीते हैं, हम यहाँ से पानी ले जाते हैं। मैं आपको अभी पानी, जहाँ से हम पानी पीने के लिए ले जाते हैं, इधर का बिल्कुल शुद्ध पानी है, फ्रेश वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर निकलता है, जिसको हम पहाड़ी भाषा में बॉडी बोलते हैं। तो मैं दिखाता हूँ किस तरह की है। ये देखिए, ये जो नीचे, ये हमारा फ्रेश वाटर है, हम यहाँ से पानी ले जाते हैं पीने के लिए। और ये इसके साथ में टैंक है, बहुत इसमें खाद जमी हुई है, पत्ते जो गिरते हैं वो डिकम्पोज या क्या बोलते हैं उसको, सड़ जाते हैं और यहीं से वो खाद बन जाती है। इसको साफ़ करेंगे थोड़े दिन के बाद। और दोस्तों, पहाड़ में जो होता है, पहाड़ में ऐसा होता है कि चढ़ाई बहुत होती है। तो अभी जो मैं चढ़ रहा हूँ, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, तो हमें जिम जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हालांकि मैंने ज्वाइन भी किया था जिम, मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इधर से इतनी चढ़ाई होती है, सांस ऐसे फूल चुकी है, बहुत चढ़ाई है। तो हमारी जो जॉगिंग है या किसको कार्डियो बोलते हैं, वो तो ऐसे ही हो जाती है। हालाँकि आप देख रहे हो बिल्कुल ऐसे 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 करके घूम घूम के शाम की तरह रास्ता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी, वो जो सेकंड नंबर वाली है और उससे आगे वाली है, वो अपनी गाड़ी है। चलो इधर तक मैं दिखाता हूँ। हमें काफ़ी दूर आना पड़ता है सामान लेने के लिए, लेकिन अच्छा लगता है। इससे क्या होता है कि एक्सरसाइज भी हो जाती है। ये अपनी ऑल्टो गाड़ी है पापा की, और ये वाली गाड़ी आप देख रहे हो, ये मैंने KBC से विन की थी 2017 में। एक लकी विनर जब मैं आया था तो ये मुझे मिली थी KBC से। अभी मैंने ज़्यादा इसको चलाया नहीं है, 5000 किलोमीटर चली है, 3 साल होने वाले हैं। बहुत अच्छी गाड़ी है, डेस्टिन रेडी हो। अगर आपको इसके बारे में और देखना हो तो एक वीडियो मैंने बहुत पहले भी डाल रखा है, उधर से आप देख सकते हो मैंने किस तरह इसको विन किया था। और अगर आपको कभी मेरा चैनल ग्रो हुआ और किसी ने कमेंट किया कि यार गाड़ी के बारे में बताओ, तो फिर मैं इसको बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको। ये अपना दो बाइक, एक पापा एक मेरा, आगे वाली बुलेट है, और इसमें अपना सामान पड़ा है। चलो मैं दिखाता हूँ। और दोस्तों, मैंने फाइनली अपना सामान निकाल लिया है। ये आप देख रहे हो, एक एप्पल की पेटी है,
और एप्पल का प्राइस तो आपको पता ही होगा कि मार्केट में बहुत महंगा बिकता है, 100 रुपया किलो, या फिर पेटी लेनी हो तो 2000-3000 एप्पल के साइज़ के हिसाब से और एप्पल की क्वालिटी के हिसाब से। लेकिन ये सिर्फ 300 की लाए हैं, अब पापा लाए हैं, पता नहीं कहाँ से लाए होंगे, लेकिन बोल रहे थे कि 300 की पेटी मिली है। हालांकि इसका साइज़ इतना छोटा है, काफ़ी बड़ा नहीं, लेकिन है तो एप्पल यार, खाओ आएगा तो एप्पल का टेस्ट थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, लेकिन चलता है। सेब को निकाला है, ये साइज़ का सेब है और इसलिए सस्ता है, देखो इसमें थोड़ा बहुत दाग से भी हैं, थोड़े स्पॉटेड इसमें स्पॉट्स लगे हुए हैं, जब इनको निकालते हैं या ये गिरते हैं, गिरे हुए सेब, तो इनमें जो थोड़े बहुत दाग लग जाते हैं, लेकिन खाने में कोई दिक्कत नहीं है, इतने छोटे हैं इसलिए 300 की इसका प्राइस है। लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है। तो दोस्तों गाँव में इस तरह से हमें सामान ले जाना पड़ता है और अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक्सरसाइज हमारी अच्छे से हो जाती है और काफ़ी भारी है चीज़ ज़्यादा इसकी तो भी, लेकिन आदत है उठाने की, क्योंकि हमेशा बचपन से सामान ऐसे ही दूर दूर से ले जाकर घर पहुंचाते थे। और गाँव की लाइफ काफ़ी हार्ड होती है, कई शहर वाले आके बोलते हैं यार कि गाँव में कैसे रहते हैं, यहाँ तो घर भी दूर दूर है, लेकिन हमें गाँव ही अच्छा लगता है यार।